जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। अंगुराल ने आपके टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सीट पर आज उपचुनाव है। भाजपा प्रत्याशी शीतल अंगुराल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के बूथों पर बाहरी इलाकों से आए लोग बैठे हैं। भाजपा की टीम के लिए ये चुनाव आगे की राजनीति तय करने जा रहा है। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ के लिए समय आगे ही ठीक नहीं चल रहा। उनकी लीडरशिप में पंजाब में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। भाजपा में इस बात को लेकर पहले से रोष चल रहा है कि कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा में आकर पार्टी लीडरशिप पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस से आए रवनीत बिट्टू केंद्र में मंत्री बन गए। दिल्ली की टीम ने जालंधर वेस्ट उपचुनाव से किनारा रखा। कोई भी केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए नहीं आया। भाजपा अगर सीट हार जाती है तो जाखड़ की लीडरशिप पर सवाल उठना तय है। कारण, शीतल अंगुराल एक विधायक होते हुए भाजपा में शामिल हुए। इस सीट से भाजपा के चुन्नीलाल भगत 3 बार जीत चुके हैं और पंजाब में मंत्री भी रहे हैं। 1 माह पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से 42,837 मत लिए थे और चन्नी से महज 1500 मत से हारे थे। आम आदमी पार्टी अगर ये सीट भी हार जाती है तो इस राज्य सरकार में लोगों के विश्वास की कमी के रूप में देखा जाएगा, जिसका लक्ष्य पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतना था। हालांकि पार्टी केवल 3 सीटें ही जीत पाई। जालंधर वेस्ट उपचुनाव के लिए सीएम मान और उनके परिवार ने आप उम्मीदवार से भी आगे निकलकर प्रचार में पूरी ताकत लगाई। उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर निर्वाचन क्षेत्र के हर हिस्से और गली मोहल्ले में घूमकर लोगों से वोट मांगने गई। सीएम मान की इस मेहनत के पीछे लोकसभा चुनाव में आपकी उम्मीद से कम सीटें आने को देखते हैं। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में जालंधर वेस्ट सीट पर 4,253 मतों के अंतर से आप प्रत्याशी शीतल अंगुराल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुशील रिंकू को हराया था। शीतल अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। यही कारण है कि भाजपा ने उनको अब उपचुनाव में सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जालंधर सीट पर कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर, भाजपा ने शीतल अंगुराल और आप ने मोहिंदर भगत पर दांव खेला है। इसी तरह शियद ने सुरजीत कौर को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पार्टी ने उन पर बागी धड़े के साथ होने का आरोप लगाते हुए अपना समर्थन वापस लिया और बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला लिया है। बसपा से बिंदर कुमार यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।